हे गाइस नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं सुलेखा गढ़ेवाल एंड द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज हम करने वाले हैं फैब्रिक पेंटिंग। यस, हमारा प्रोजेक्ट हो गया है ख़त्म और आज हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा दिन यहाँ जबलपुर में रुके हुए हैं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। सो मैंने कुछ काम निकाला, लाइक मैं सुबह उठ के चाय पी रही थी अपनी, तो बस मैं ऐसे ही पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रही थी, सो मुझे ये दिखा, मैंने सोचा चलो आज फैब्रिक पेंटिंग की जाए। और मेरे पास एक थी भी वाइट टी शर्ट, तो मैंने कहा इसे पे करते हैं। एंड अभी देखिए हम कर रहे हैं और मैं इसे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसा होने वाला है। बस मेरे पास एक्रैलिक कलर्स थे तो काफ़ी बचे भी हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको यूज़ करते हैं क्योंकि एक्रैलिक पेंटिंग तो मैं बहुत कम ही करती हूँ। जैसे वॉल ऑल के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे ऑर्डर आते हैं, तो बस उनमें ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ मैं ऑयल पेंटिंग ही करती हूँ। सो मुझे इनको यूज़ करना था क्योंकि ड्राई हो जाते हैं एक्रैलिक कलर्स और इतनी केयर मैं नहीं कर पाती। भाई यार मैं कर तो रही हूँ बट मुझे ना थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट भी हूँ एंड थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि टी शर्ट गंदी ना हो जाए, मैं उसे ख़राब ना कर दूँ, बट कॉन्फिडेंट भी हूँ कि पेंटिंग तो मैं कर ही लूँगी। जैसे वॉल पे एंड कैनवास पे पेंटिंग करना होता है वैसे ही तो टी शर्ट पे करना होता है, बट फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो उस हिसाब से थोड़ी सी नर्वस हूँ, अदरवाइज़ कर लेंगे। हाँ, और मैं इस टी शर्ट पे इसलिए ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये टी शर्ट मेरी दीदी नहीं पहनती है मेरी, और मेरी दीदी जो मेरे कपड़े नहीं पहनती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कपड़े यार मेरे शायद उतने अच्छे नहीं है इसलिए ये पहन नहीं रहे है। तो अगर ये ख़राब हो जाती है मेरे से तब भी मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। सो अभी हम कर रहे हैं पेंटिंग और इसका रिजल्ट भी देखते हैं क्या आता है। आई डोंट थिंक सो ख़राब आएगा। और एक चीज़ आप जो देख रहे होंगे वीडियो में वो ये है कि आप जब पानी उस पर लगाओ ना तो थोड़े अंदर से लगाना। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना कि हम कलर्स या वाटर जो भी फैला रहे हैं ना, अब हम पेंटिंग करेंगे फैब्रिक पे तो हमको पहले से पानी लगाना होगा टी शर्ट पे, तो हम मैंने जो पानी लगाया ना आप देख सकते हैं तो वो बाहर चला गया मेरे। अब पानी जाएगा तो पानी के साथ कलर्स भी बाहर जाएंगे। अभी मेरा बैकग्राउंड तो क्या है ना, वो लीव है जो डार्क कलर की है, तो वो फ्लावर से अगर फ्लावर के कलर लाइट्स हैं अगर वो बाहर भी निकल जाएंगे तो मुझे उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ उसकी लीव का कलर जो है ना वो डार्क है, तो वो मैं मैनेज कर लूँगी। बट आप देख रहे हैं आप ही मिस्टेक बिल्कुल मत करना, जब भी आप पानी लगाओ तो थोड़े अंदर से लगाना सो वो थोड़ा सा फैल जाएगा बाहर की साइड, वो निकल जाएगा पानी, तो फिर आपको वो बाहर तक वैसे भी हो जाएगा, आपका पूरा कवर कर लेगा। और जैसे भी आप कलर भी लगाओ तो थोड़े अंदर से ही लगाना, और बहुत अगर कलर में भी बहुत ज़्यादा पानी लेके करो तो बहुत ज़्यादा पानी लेके मत करिएगा पहली बात, तो उसे थोड़ा सा थिक ही रहने दीजिए और फिर धीरे धीरे पानी से उसको फैलाइएगा, नहीं तो वो बाहर तक फैल जाएगा जैसे कि मेरा ऊपर फैल गया है, बट मुझे माइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मैनेज कर लूँगी। और इसी तरह हम सारे फ्लावर पेटल्स पे कलर कर लेते हैं।
यू कैन सी मैंने लीफ के कॉर्नर में पानी डाला, लाइक पानी से मैंने कोई भी हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम कॉर्नर से ही उसकी आउटलाइंस करेंगे, तो मैंने वो किया तो मेरा पानी है ना वो फ्लोर में भी चला गया है। तो बट क्योंकि मैं ये मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, इसलिए मेरे से ये मिस्टेक्स हो रही हैं। और मैं बता रही हूँ आपको कि आप जब भी ये पेंटिंग करें तो आप अपने टी शर्ट पे पानी डाल के देखिए कि स्प्रेड हो रहा है, तो आप कॉर्नर से ही ना डाल के सेंटर से डालिए पानी, जैसे कि वो कॉर्नर तक स्प्रेड हो जाएगा एंड देन कलर को कीजिए। क्योंकि देखिए मेरा कलर है ना, वो लीफ का कलर फ्लोर में चला गया है, सो मैनेज करने का ट्राई करेंगे, हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क है और पेटल्स के भी कॉर्नर्स जो होंगे ना वो डार्क ही होंगे, तो हम मैनेज कर लेंगे, बाकी ऐसी मिस्टेक्स ना हो तो बेटर है, इसीलिए आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। और हम लेयर बाय लेयर कर रहे हैं तो जो भी मिस्टेक्स होते जाएंगे वो नेक्स्ट लेयर में कवर अप होते जाएंगे, तो अच्छी बात है कि हम लेयर बाय लेयर कर रहे हैं। आई थिंक फैब्रिक पेंटिंग का आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक इसका वन स्ट्रोक में भी हो सकता है, हो की तो जा सकती है, बट लेयर बाय लेयर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे तो लेयर बाय लेयर का हर एक चीज़ में इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या ऑयल पेंटिंग हो, मुझे उसका लेयर बाय लेयर का इम्पैक्ट बड़ा पसंद है, क्योंकि वो बड़े अच्छे से खिल के आता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट रिजल्ट काफ़ी अच्छे से आता है उसमें। Thank you.
सेम प्रोसेस हम अपकमिंग लेयर्स में अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस मीन्स कलर्स को डार्क से लाइट की ओर स्प्राइट करने का। और जब तक हमको डार्कनेस एंड हाइलाइटिंग में डिफरेंस समझ तक नहीं आने लगता, तब तक हम इसमें लेयर्स अप्लाई करते रहेंगे। और एंड ऑफ जब हमको हाइलाइटिंग एंड डार्कनेस दिखने लगेगी तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि तब हमारी पेंटिंग रियलिस्टिक लगने लगेगी। और अब हमारी पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसे निकाल के अच्छे से प्रॉपर टी शर्ट फैला के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। आई थिंक ये थोड़ी सर्कल में होनी थी, जो इसका बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा सर्कल में होना चाहिए था। तो अब हम इसे सर्कल में ट्राई करते हैं। थोड़ा सा कलर इस साइड को थोड़ा सा फैला लेंगे। आई थिंक नाउ इट्स लुक बेटर। गाइज आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, इट्स रियली नॉट टू टफ। सो गाइज ये देखिए, ये टी शर्ट है, मैंने इसका पेंटिंग किया है। अभी मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ एक मिनट। सो गाइज देखिए, ये है टी शर्ट जिसमें मैंने पेंटिंग किया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे बहुत गंदा कर दूँगी, बट नहीं, इतना गंदा नहीं लग रहा है। हमें गंदा क्या, अच्छा लग रहा है यार। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस बिकॉज फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम में अच्छी है। ओके सो गाइज दैट्स इट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गाइज प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।